जनसंपर्क के लिए निकले एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन। नामांकन के बाद सभी प्रत्याशी जनसंपर्क तेज कर दिए हैं। प्रत्याशी घर घर जाकर अपनी पार्टी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन गोपालगंज के हतुआ विधानसभा क्षेत्र में हतुआ विधायक राम सेवक सिंह के साथ सुबह 8 बजे से लगातार लोगों से संपर्क साधते हुए लोगों से अपील कर रहे हैं। मैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी हूँ और मैं जनसंपर्क अभियान में निकला हूँ और अपनी जनता से मैं आशीर्वाद लेने के लिए अपील करता हूँ, आशीर्वाद ले रहा हूँ, विजय बनाने की अपील करता हूँ। गोपालगंज के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है मेरी बाढ़ की समस्या, नंबर एक। नंबर दो किसानों की समस्या है, किसानों के गन्ना के लिए। तीसरी समस्या है यहाँ की हवाई यातायात की व्यवस्था करने के लिए सभी आपकी कोशिश करना कि यहाँ से हवाई यातायात शुरू हो दिल्ली के लिए ताकि हमारे नागरिकों को सहूलियत। इसके अलावा बाकी समस्या मैं जनता के बीच जाकर जनता के बीच बैठ कर कहाँ क्या समस्या है उसके हिसाब से मैं अपनी नीति निर्धारण करके उनके लिए उस समस्या का निदान करने की कोशिश करती हूँ। आज हम लोग डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जो हमारे जनता दल समर्थित जो प्रत्याशी को लेकर हतुआ विधानसभा के हतुआ प्रखंड अभी कई पंचायतों सहित जो मुख्य बाजार है सभी जगहों पर इनका भ्रमण का कार्यक्रम हम लोग करा रहे हैं कि जनता से रूबरू होकर हमारे प्रत्याशी के माध्यम से अपने पक्ष में एनडीए के पक्ष में जो इनका चुनाव चिन्ह तीरछाप है, तीरछाप वाला बटन दबाने के लिए आग्रह करने के मकसद से आज हम लोग हतुआ विधानसभा क्षेत्र के कई पंचायत सहित सभी बाजारों में भ्रमण का कार्यक्रम के मकसद से आगे बढ़ रहे हैं।